कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, एनीथिंग रिलेटेड टू योर दिवाली और समथिंग डिफरेंट यू ऑब्जर्व्ड एंड यू वर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट? मैम, लास्ट क्लास में आपने क्या कराया We were doing dining etiquettes in the restaurant, and we had also learned about food wastage, the behaviors that lead to increase or decrease in था? food wastage. Yeah. Okay, let's begin now. Last class में we were discussing in last two or three classes हम social health के बारे में discuss कर रहे थे. And social health is about relations, relations with others we have explored. कि different patients में हम कैसे handle करें उन situations को. I'm muting you all, okay? Okay. कैसे हम हैंडल करें वो सिचुएशंस को. फिर हमने डाइनिंग एटिकेट्स देखे कि डाइनिंग एटिकेट्स आल्सो कम इनटू द पार्ट ऑफ योर सोशल हेल्थ. सो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट. ओके, एंड वी एक्सप्लोर आर रिलेशन विद आवर सेल्फ. ठीक है, अब हम सोशल हेल्थ में अपने आप के साथ का रिलेशन एक्सप्लोर करेंगे. और अपना रिलेशन, अपने साथ रिलेशन जानने के लिए हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, राइट? अपने बारे में हमें कैसे पता चल सकता है, जब हम बैठकर अपनी क्वालिटीज पे रिफ्लेक्ट करें. सो दिस इज व्हाट वी विल डू. हम बैठकर अपने क्वालिटीज आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझ में क्या क्वालिटीज हैं जो मुझे ऋतिका बनाती हैं. तो ऐसे ही पाखी में क्या क्वालिटीज हैं जो पाखी को पाखी बनाती है, लहर में क्या क्वालिटीज हैं जो लहर को लहर बनाती है. ओके, सो कुलराज में क्या क्वालिटीज हैं जो कुलराज को कुलराज बनाती है. कुलराज, हैव यू साइन इन फ्रॉम टू डिफरेंट अकाउंट्स? आई सी यू ज्वाइनिंग इन फ्रॉम टू डिफरेंट नेम अकाउंट्स. जस्ट अनम्यूट. आर देयर टू कुलराज इन थ्री ई देन? नो योर्स इज, देयर इज मैम, आल्सो सेकंड अकाउंट फ्रॉम व्हिच यू हैव ज्वाइंड इन. जस्ट चेक इट वंस, क्योंकि वहां आपका कैमरा ऑन नहीं आ रहा. ओके, जस्ट चेक इट. ओके, एंड कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. सर्वांग, आरव, मनिका, लहर, अक्षत, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. इट्स ओके इवन इफ यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, आई एम परफेक्टली ओके विद इट, बट डोंट आंसर. ओके, जब आप कुछ खा रहे हो, माउथ में कुछ हो, तो आंसर मत करिएगा, इट विल गेट स्टक इन योर थ्रोट अदरवाइज. ओके, राइट. सो यू, फॉर द टुडेज क्लास यू नीड शीट्स फॉर योर सेल्फ और अ रफ नोटबुक. सो क्विकली यू गो एंड गेट रफ नोटबुक या शीट्स अपने लिए या कलर्स. ओके, सो यू कैन गेट स्केच कलर्स, यू कैन गेट कलर पेंसिल्स, यू कैन गेट एनी कलर दैट्स अवेलेबल विद यू फॉर राइटिंग. ओके, so I'll count till 10, quickly go and get it, and once you get it, just show me a thumbs up so that I know you have it. Okay, Kudraj has already got the colors. Yes, Paki? मैम, मेरे पास सारे कलर, मैं कौन से कलर लूं? Your choice, beta, whatever you want to use. Okay? ओके मैम. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Yes, Sarvang? You want to ask something? मैम Right. इंग्लिश Raj, I've की seen your बुक thumbs up. मैम इंग्लिश की मैम रफ नोटबुक निकाल ली है. English ki beta, this is life skills now. So why will you take English notebook? You can get any sheet or a rough notebook. Okay, rough notebook. Okay, so I'm, in the meanwhile, I'll share the screen with you. सो सेंटर में यू हैव टू राइट व्हाट मेक्स मी मी. तो क्या क्वालिटीज हैं जो मुझे मैं बनाती हैं, या रितिका बनाती हैं, या कुलराज बनाती हैं, या पुलकित बनाती हैं. ओके, सो यू विल, मैंने यहाँ पर गर्ल का फेस बनाया है,
आप यहाँ पर कोई भी शेप यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एंड राइट अ सेंटर लाइन, और एरोज निकालकर आपने अपनी क्वालिटीज दिखनी है. सो फॉर एग्जाम्पल, माई क्वालिटीज आर राइटर, आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई एम रिफ्लेक्टिव, आई एम हेल्पफुल, आई एम केयरिंग, ओके, एंड आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो ये सारी मेरी क्वालिटीज हैं. तो इनके लिए इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो मेक पिक्चर्स. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइटर लिख रही हूँ तो मैं वहाँ नोट पैड और पेन बना सकती हूँ, राइट. अगर मैं क्यूरियस लिख रही हूँ, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स, तो मैं एक अपसाइड डाउन कैप बना सकती हूँ विद स्टार्स एंड ऑल कमिंग आउट, ओके, सो दैट कैन शो माई क्यूरियोसिटी टू नो थिंग्स. या मैं क्वेश्चन मार्क बना सकती हूँ टू शो क्यूरियोसिटी ऑफ माइन, और राइट. सिमिलरली रीडर, सो रीडर के लिए मैं बुक बना सकती हूँ. स्पोर्ट्स पर्सन, सो विच एवर स्पोर्ट यू लाइक, राइट, सो आप उसके वो स्पोर्ट का पिक्चर बना सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन राइट. सो क्विकली मेक समथिंग फॉर योर सेल्फ. आप कोई भी शेप बना सकते हो, सर्कल, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, हार्ट, स्माइली, स्टार, एनी शेप इन द सेंटर, एंड राइट वॉट मेक्स मी मी एंड राइट योर क्वालिटीज, ओके. Pulkit, you want to ask something? And be as colorful and creative as you want to be. You can also make heart for yourself. Pulkit, you want to ask something? Yes, ma'am. Ma'am, what we have to do in rough copy? You have to make this picture for yourself and write what makes me me. And with the arrows, you have to write your qualities. So Pulkit, what qualities hain? Okay. No, ma'am. I am a boy, so I make a boy picture. You can make a boy picture or any picture. And ma'am, shape ke baare mein aap kya bata rahi thi? I was saying any shape. Zaruri nahi ki boy figure ho. Aap square bhi beech mein bana sakte ho. Aap rectangle bana sakte ho. Triangle bana sakte ho. Any shape you like. Okay. और फिर उसमें मैम हम अपनी क्वालिटीज लिख सकते हैं. उसके अंदर नहीं लिखना बेटा, बाहर एरोज निकाल कर लिखोगे आप, जैसे गर्ल से एरोज निकल रहे हैं वैसे ही, ओके. यस मैम, आई एम सेइंग दैट. ओके मैम. यस विवान. विवान अनम्यूट. मैम, ये किस में लिखना है? पेपर में? पेपर या रफ नोटबुक, व्हाटएवर इज अवेलेबल विद यू. ओके मैम. और ये बॉय, जैसे मैं कोई बॉय है तो फिर गली बनानी है या बॉय? योर चॉइस, आपकी मर्जी, आपको सेंटर में क्या बनाना है. बॉय है तो बॉय. ओके मैम, थैंक यू. यस पाकी. शेप कहाँ पे बनानी है? स्क्वायर वगैरह. सेंटर वेयर द गर्ल इज, इंस्टेड ऑफ गर्ल. गर्ल की आउटलाइन है उसके. ये भी लिखना है, व्हाट मेक्स मी मी मी. यस, यू हैव टू राइट दैट. ओके मैम. मैम, ये ड्रॉ करनी है और गर्ल? इट्स योर चॉइस. You want to draw a girl or you want to draw a shape? Okay, it's your choice. Yes, Pulkit. Ma'am, how many qualities we have? Okay. Now first tell me, आप किसकी qualities लिख रहे हो? Ma'am, आप अपने name के हर first word की quality लिखूँगा. वो आपकी मर्जी है कि आप अपने फर्स्ट वर्ड से लिख रहे हो या आप अपने बारे में जितनी क्वालिटी सोच सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू. जितनी क्वालिटीज हमारे पास है उतनी भी लिख सकते हैं. डेफिनेटली, व्हाई नॉट. इट इज अबाउट यू ओनली ना, कि पुलकित को पुलकित क्या बनाता है. तो पुलकित में जितनी क्वालिटीज है वो लिख सकता है. ओके मैम. ओके ओके, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल हेल्प, आई विल शेयर अनदर स्क्रीन विद यू फॉर अ मिनट.
जस्ट टू गिव यू लिटिल गाइडेंस फॉर द वर्ड्स इफ यू नीड क्वालिटीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कॉन्फिडेंट, यू आर क्रिएटिव, यू आर फोकस्ड, caring, goal oriented, happy, honest, sensitive, does not give up, eager to learn, open minded, imaginative, hopeful, calm, striving, hard working, dependable, supportive, humble, spiritual, curious, patient, leader, funny, kind, positive, passionate, forgiving, loyal, fair. So these are certain qualities. आप और भी ऐड कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसी क्वालिटीज का हम बात कर रहे हैं. ओके, सो थिंक ऑफ एज मेनी क्वालिटीज यू कैन. एंड जस्ट क्विकली डू द वर्क, देन विल शेयर. So 5 minutes to do it. Vivan, you have some doubt? मैम ये जो बॉय के साथ में है ये सब लिखने हैं. क्या लिखा है बेटा बॉय के साथ सब? ये जो फेस और हैंड नेम्स मतलब नेम्स जो है नेम्स तो कहीं नहीं लिखे हुए बेटा स्क्रीन शेयर पे. आपने अपनी क्वालिटीज लिखनी है. विवान की क्या क्वालिटीज है? ओके मैम. या बाकी यू वांट टू आस्क समथिंग मैम? हमें गर्ल आपने बोला ड्रॉ करने है, तो आप शो क्यों नहीं कर रहे वो? आई एम शेयरिंग द स्क्रीन बट आई विल रीशेयर इट. इज इट विजिबल नाउ? यस मैम. हमें गर्ल में कलर भी करना है. योर चॉइस बेटा, इट्स योर वर्क ना. आप अपने बारे में बना रहे हो ना, तो आपकी मर्जी आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को. ओके या यस अरवंग. मैम स्ट्रीविंग मतलब क्या होता है? किसका मतलब? मैम स्ट्रीविंग
स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग इज जो हार नहीं मानते. लास्ट 2 मिनट्स प्लीज हरी अप. Shweta, you're doing the work. Okay, the child who has entered with the name as Divi Rustagi, can you please unmute yourself? Divi Rustagi, please unmute yourself. Vrinda, you're doing the work. Vrinda, aap kaam kar rahe ho? Please unmute once. Yes, ma'am. Okay. Kitna time lagega beta? Time is almost over. Yes, Akshat. Ma'am, I have done my work. Ma'am, hai cycling or ma'am, read book. Just two qualities makes you Akshat. Yes, ma'am. और कुछ भी नहीं है. अक्षत इज नॉट केयरिंग, अक्षत इज नॉट हेल्पफुल, अक्षत इज नॉट काइंड. अक्षत क्यूरियस नहीं है कुछ भी जानने के लिए. बताओ मेरे को, यस या नो? बोल ना अक्षत, बोल. हाँ क्यूरियस हूँ मैम, क्यूरियस हूँ. मम्मा को क्वेश्चंस नहीं करते, परेशान नहीं करते क्वेश्चंस कर करके. मम्मा को तो पूछना मैडम, पूछ क्या पूछना बताओ. व्हाट हैपेंड, यू वांट टू आस्क समथिंग? बोलो बेटा. Ma'am, no. No, you are nothing, huh? But I see you as a silent child. तो वो भी तो आपकी quality हुई ना. जरूरी थोड़ी ना बोलने वाले ही होती है quality. चुप रहना सबसे बड़ी quality होती है, पता है आपको? तो फिर वो नहीं लिखोगे आप? And I see you understanding also. आप सब बात समझते भी हो, फिर understanding भी तो आपकी quality हुई. तो ऐड करो और आएगा. सोचो थोड़ा सा अपने बारे में, कनेक्ट करो अपने आप से. ओके, एनीवन हु हैज डन एंड वांट्स टू शेयर?
Sarvang, please hurry up because the time is already over 2 minutes back. Okay. Pulkit? Ma'am, Marilu, I have written many 7 qualities. Okay. Share. And these are, ma'am, my real qualities. Okay. Number one, polite. Second one, unique. Third one, loyal. Okay. Fourth one is kind. And fifth one is intelligent. Okay. And sixth one was talented. All right. And last one was I am really a big artist. Okay. So was nahi bolo, is bolo. Aap abhi bhi ho, hai na? Yes, ma'am. Quality abhi bhi hai na aapne. So say is, not was. Last quality is. Okay. Last quality was, ma'am, I am was an artist. Is, abhi bhi hai, is, was nahi aata, was is jab chala gaya. Ma'am, so say it as is, not was, okay? Is artist, last quality was, is artist. Okay, and so how do you feel, Pulkit, after doing this activity? Ma'am, fun. You found it fun, okay. And how did this activity help you? Ye activity aapko kaise help kare? To learn my qualities. Okay, so can I say to learn about yourself? Aap apne bare mein samjhe apne aap ko aur. And I am good in that qualities. So do you see you connected with yourself? Aapne apna self connection banaya is activity se? What is self connection, ma'am? Self connection is connection with self. Apne aap ke saath bond create karna. To kya is activity se aap thoda sa apne se connect hue? Yes, ma'am. Okay. Nice. Anyone else who's done? Vrinda, please turn on your camera. Kulraj, turn on your camera. Okay. Yes, Kulraj. मैंने अपनी ड्राइंग कर ली है तो मैं आपको सुनाऊं या प्लीज गो अहेड हार्डवर्क क्रिएटिव केयरिंग स्मार्ट होनेस्ट कम नेटिव कॉन्टेविट Communicative, active, helpful, naughty, happy. All right. So, Kulraj, how did this activity help you? Nice. You've done it beautifully. आपको ये activity ने कैसे help किया? बताइए. Activity ने कैसे help किया ये वाली? You'll have to unmute Kulraj. Apne mute kar diya. Ma'am, mujhe mere baare mein bahut kuch pata chala. So you reflected on yourself. Nice. Okay. So definitely,
when we sit down and we reflect on our qualities, that's the time when we connect with ourselves. और हम सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं. नहीं तो क्या है ना, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर जब करते हैं ना, तो हम अपनी क्वालिटीज नहीं देखते. हम ये भूल जाते हैं कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं. तो फिर मैं कंपेयर कैसे कर सकती हूँ? अब जैसे एक ऑरेंज है और एक एप्पल है, दोनों फ्रूट्स होते हैं ना, बट क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. एप्पल का टेस्ट स्वीट होता है, ऑरेंज का टेस्ट टैंगी होता है, राइट? मैं एप्पल का पील भी खा सकती हूँ, पर मैं ऑरेंज का पील नहीं खाती. और एप्पल मेरे टीथ और गम्स, सॉरी, एप्पल मुझे मैग्नीशियम देता है, फाइबर देता है, बट ऑरेंज मेरे टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन सी देके. सो उनका फंक्शन भी मेरे बॉडी में अलग है. तो जब दो फ्रूट्स को मैं कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो हम सब ह्यूमंस हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से अलग हैं, तो फिर हम क्यों कंपेयर करते हैं? सो दिस एक्टिविटी इज वन वे टू अंडरस्टैंड कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं और हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए द वे वी आर. दैट्स वेयर वी हैव अ कनेक्शन विद सेल्फ. ओके, नाउ हमने अपनी क्वालिटीज तो देखी कि ये हमें बनाते हैं, ये हमारी सोशल हेल्थ है. अब हम आते हैं हमारी इमोशनल हेल्थ पे, विच इज द लास्ट टाइप ऑफ हेल्थ. अब इमोशनल हेल्थ में हम किस चीज पे फोकस करते हैं? हमारे इमोशंस, यानी हमारी फीलिंग्स पे, हमारे इमोशंस पे और हमारे थॉट्स पे, राइट? सो द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट वी विल डू इज वी विल कनेक्ट विद आवर इमोशंस टुडे. हम सब गुस्सा एक्सपीरियंस करते हैं, हम सबको गुस्सा आता है, हम सब हैप्पी होते हैं, हम सब डरते हैं. पर लेट्स से विवान लिजर्ड को देख के डर जाता है और मैं स्नेक को देख के डर जाती हूँ, राइट? तो इमोशन तो डर है, फियर है, स्केर्ड है, बट हम दोनों डर अलग अलग चीज से रहे हैं. विवान लिजर्ड से डर रहा है, मैं स्नेक से डर रही हूँ, राइट? सिमिलरली सैड. अब मेरे बर्थडे पार्टी पे मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया तो मैं सैड हो गई, बट लेट्स से पाकी के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो सैड हो गई. तो हम सबने सैडनेस एक्सपीरियंस किया, पर पाखी कब सैड हो रही है और मैं कब सैड हो रही हूँ, वो सिचुएशंस अलग है, राइट? सो इन दिस एक्टिविटी वी विल सी कि हम सब इमोशंस, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. दे आर 8 बेसिक इमोशंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट हम किस किस सिचुएशन में एक्सपीरियंस करते हैं वो हम सबके लिए अलग है. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक आवर इमोशन वील. तो अब हम अपनी इमोशन हेल्थ को समझेंगे, अपने फीलिंग्स को समझेंगे थोड़ा सा, कि हम कब कैसे फील करते हैं, किस सिचुएशन में. ओके, सो कैन यू सी द इमोशन व्हील? Can you see the words written? Happy, angry, worried, proud, sad, excited, surprised, scared. ये हमारे 8 basic emotions हैं. Happy, खुश होना. Angry, गुस्सा. Worried, घबरा जाना. Proud, when you feel proud of yourself. Sad, उदास होना. Excited, उत्साह से भरा हुआ. Surprised, हैरान होना. Scared, डर जाना. Right? तो अब हम ये व्हील बनाएंगे अपने पास, इमोशंस के नेम लिखेंगे और उसमें सिचुएशन लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल हैप्पी, तो मैं कब हैप्पी फील करती हूँ? आई फील हैप्पी व्हेन आई कंप्लीट माय वर्क ऑन टाइम. तो मैंने हैप्पीनेस में लिखा व्हेन आई कंप्लीट माय वर्क ऑन टाइम. मैं यहाँ पिक्चर्स भी बना सकती हूँ साथ में, या मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स लिख सकती हूँ, दैट्स अप टू यू कम्प्लीटली. एंग्री, मुझे गुस्सा कब आता है? जब मैं किसी को समझाती हूँ कि आई नीड हेल्प, आई कांट डू थिंग्स and people don't understand, that makes me angry. Okay, when do I feel sad? I feel sad when I want to do something but I am unable to do it, so that makes me sad. Okay, so for example agar mujhe koi game khelne ka man hai but main nahi khel pa rahi to main sad ho jati hu. What makes me proud of myself? Well, I feel proud of myself when I fulfill some difficult challenge. तो अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, मैंने उसको सॉल्व कर लिया, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ओके, तो ऐसे ही आप अपने बारे में सोचो कि आप कब एंग्री फील करते हो, कब हैप्पी होते हो, कब वरिड होते हो यानी घबरा जाते हो, कब अपने पे प्राउड होते हो, कब उदास होते हो, सैड,
कब एक्साइटेड होते हो? इफ यू आस्क मी व्हेन आई एम एक्साइटेड, व्हेन आई डू समथिंग डिफरेंट. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई नई डिश ट्राई की या मैं कोई नई जगह पे घूमने गई, सो दैट सीरियस दैट सर्टेनली मेक्स मी एक्साइटेड. सरप्राइज्ड, आप कब हैरान हो जाते हो, कब आप डर जाते हो, राइट? सो इज द टास्क क्लियर टू ऑल ऑफ अस? देन जस्ट शो मी अ थम्स अप. ओके, कुलराज इज गिविंग अ थम्स अप, विवान इज गिविंग मी अ थम्स अप, राइट? Pakhi has given a thumbs up. Okay. Fine. So you may begin with your work. Yes, Vrin. Okay, Vrinda, I can see her thumbs up. Okay. Careful. Helpful. Talkative. Right. Emotional. And storyteller. Shy. Good listener. Talented. Smart and obedient. Okay. And angry. All right. So now you can begin with your emotion wheel, Hiren. You've written many qualities about yourself. That's nice. You reflected over yourself a lot. अब अपने emotion wheel के बारे में सोचो, ठीक है? कि आप कब कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस करते हो. ग्रेट. यस अक्षत. मैम हम मैंने नहीं लिख लिया. ओके. फर्स्ट है रीड बुक, सेकंड इंटेलिजेंट, थर्ड हेल्प अदर, फोर्थ साइक्लिंग, फिफ्थ बी क्वाइट. ऑल राइट, नाइस, ग्रेट. यू रिफ्लेक्टेड लिटिल मोर फॉर योरसेल्फ. नाउ कनेक्ट विद योर इमोशंस फर्दर, ठीक है? मेक योर इमोशन बी. या यस पुलकित. एक्सक्यूज मी मैम, what we have to do in this emotional week, emotional you have week, to write about your situations. आप कब happy होते हो, कब sad होते हो, तो आपने wheel के अंदर हर emotion के नीचे situation लिखनी है कि आप कब happy feel करते हो. pictures भी बना सकते हैं. हाँ जी, आप pictures भी साथ में बना सकते हो. So you can make it as creative as you want it to be. मैम big circle कब बनाए ताकि space आए. Sorry. Ma'am, we have to make a big circle, so we write the sentence. Right. Okay. Yes, Kulraj. Ma'am, is wheel ko main draw karna hai. हाँ जी, व्हील के अंदर ही आपने लिखना है. मैम इस व्हील को
if you're through, just let me know. You can take the picture of this and complete the work then, because the class will get over another 2 or 3 minutes. तो अगर आपने wheel नहीं बनाया आप इसका picture click कर लीजिए अपने पास या screenshot ले लीजिए. Okay, I'll stop the screen share here and I'll share the homework with you. So complete your emotion wheel, and secondly, do page 2, 85, 86 of your book. So page 2 is about your self-awareness, wherein you're answering certain questions related to your own self. And page 85 and 86 is about your feelings. Okay? So it's an extension to what we have done today. So aap apna wheel complete karke next class mein share kar sakte hain, and also do the pages from the book. It will not take much time for you. Right? See you all. Have a wonderful day. Enjoy your day. Bye. Bye, ma'am. Bye.